तो यहां पर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड। तो यहां पर यदि हमारे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक जेड वन है दूसरा जेड टू है। पहले हमने पार्ट में समझा था, सीखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, ए प्लस आई बी। अब यहां पर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन इक्वल टू हम लिख देते हैं ए वन प्लस आई बी वन। सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं ए टू प्लस आई बी टू और इन कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें ऐड करना है, मींस जेड वन प्लस जेड टू। तो जेड वन प्लस जेड टू हो जाएगा ए वन प्लस आई बी वन प्लस ए टू प्लस आई बी टू, राइट। यहां पर हमारे जो रियल पार्ट है उनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो ए वन प्लस बी वन, ए वन प्लस बी वन ये किस में एक ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस सॉरी ए वन प्लस ए टू और यहां पर होगा बी वन प्लस बी टू टाइम्स ऑफ आई, बी वन प्लस बी टू टाइम्स ऑफ आई ये हमारा दूसरे ब्रैकेट में होगा। यहां से हम क्या देख रहे हैं ए प्लस आई बी वन, ए टू प्लस आई बी टू। यहां पर हम जब इनको ऐड कर रहे हैं ना वो भी क्या आ रहा है ए प्लस बी आई। यहां पर हम देखें ए प्लस बी आई मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है। लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल है क्या, इसको और समझते हैं। यदि हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन इक्वल टू टू प्लस आई और जेड वन इक्वल टू हमारा टू माइनस आई और यदि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा जेड वन प्लस जेड टू, यानी कि हम पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऐड करें तो क्या हो रहा है टू प्लस टू हो रहा है प्लस आई टाइम्स ऑफ पहले नंबर का, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा वन और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा माइनस वन। इसको भी हम ऐड कर रहे हैं। अब हम यहां पर देख रहे हैं वन माइनस वन जीरो दे रहा, यानी कि यहां पर ए प्लस आई बी यानी बी जीरो हो रहा, बी जीरो हो रहा तो फिर हमारा क्या देगा प्योर रियल पार्ट देगा दैट इज इक्वल टू फोर, राइट। तो ये कहना जरूरी नहीं है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो हमेशा और हमेशा कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कहना तो जरूरी नहीं है। मींस हमेशा उसमें रियल पार्ट हो, हमेशा उसमें इमेजिनरी पार्ट हो, इन दोनों बातों को कहना जरूरी नहीं है। लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स तो हमारा रियल प्लस इमेजिनरी है, राइट। तो हम रियल पार्ट को क्या कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं रियल पार्ट को, मीन्स हमारे रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर नहीं कह सकते। कॉम्प्लेक्स बेसिकली है क्या, कॉम्प्लेक्स है क्या, कॉम्प्लेक्स हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन है। तो यदि हम रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं तो ये कहना गलत नहीं है, बट अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर बोल रहे हैं तो वहां पर ये गलत हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होंगे। यहां पर हम इनको यदि सब्सट्रैक्ट करते हैं, राइट, जेड वन माइनस जेड टू करते हैं, जेड वन माइनस जेड टू यानी कि हम इनको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां पर इमेजिनरी रियल पार्ट ए वन माइनस ए टू हो जाएगा प्लस यहां पर आई टाइम्स ऑफ बी वन माइनस बी टू हो जाएगा। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन बिल्कुल सिंपल हो गया, राइट। अब यहां पर यदि हमारे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनको मल्टीप्लाई करना है, यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना है तो जेड वन इंटू जेड टू, जेड वन इंटू जेड टू ए वन प्लस आई बी वन और यहां पर हो जाएगा ए टू प्लस आई बी टू। सिंपल, जिस तरह से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से करेंगे, ए वन का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर किया तो ए वन ए टू हो जाएगा प्लस ए वन बी टू टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा प्लस ए टू बी वन आई हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर टाइम्स ऑफ बी वन बी टू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे, तो रियल पार्ट में हमारा जहां पर आई ना आया हो यहां पर आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस वन, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, तो यहां पर हमारा ए वन ए टू माइनस बी वन बी टू हो जाएगा प्लस में आई टाइम्स आएगा ए वन बी टू, ए वन बी टू प्लस बी वन ए टू आ जाएगा, बी वन ए टू आ जाएगा, ये हमारा ए वन ए टू माइनस बी वन बी टू प्लस आई टाइम्स ऑफ ए वन बी टू प्लस बी वन ए टू हो जाएगा। यहां हम जब मल्टीपल इनवर्स की बात करें तो उसके बाद में हम और समझ लेते हैं मल्टीपल इनवर्स होता क्या है। मल्टीपल इनवर्स बेसिकली होता है रेसिप्रोकल फाइंड करना, राइट। यदि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी तो हमें फाइंड क्या करना है मल्टीपल इनवर्स, मल्टीपल इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, तो ए प्लस आई बी यानी वन अपॉन ए प्लस आई बी को हमें
फाइंड करना, ये हमारा क्या होगा मल्टीपल इनवर्स होगा। यहां से हम एक दो नंबर्स के मल्टीपल इनवर्स सीख लेते हैं, उसके बाद में हम इनको डिवाइड करना सीखेंगे। तो यहां हमारे पास में एक नंबर है जेड इज इक्वल टू 3 - 2i है, एक कोई जनरल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जेड इक्वल टू 3 - 2i, और इसका हमें मल्टीपल इनवर्स देखना है। तो मल्टीपल इनवर्स हमें देखना है, तो मल्टीपल इनवर्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जेड वाई इज इक्वल टू, नॉट इस तरह से नहीं, यहां पर तो हम अभी यही देखते हैं कि मल्टीपल इनवर्स ऑफ जेड, मल्टीपल इनवर्स ऑफ जेड, राइट। मल्टीपल इनवर्स ऑफ जेड क्या हो जाएगा 1 अपॉन जेड क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 - 2i। अब यहां पर 1 अपॉन 3 - 2i हो गया। अब जो यहां पर डिनोमिनेटर है इसको हम कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट का डिवाइड न्यूमरेटर और मींस कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में और कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। किसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, जो यहां पर क्या गिवन है डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो यदि हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करते हैं। बिल्कुल ये तो रेशनलाइज की तरह है, बिल्कुल जिस तरह से रेशनलाइज हमारा 2+√3 था, इसके हम कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते थे, तो 2 - √3 न्यूमरेटर में और 2 - √3 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद में हम इसके इसको हम रेशनलाइज करना सीख रहे थे। सिमिलरली यहां पर हमारे पास में 1 अपॉन 3 - 2i है, इसके भी हम कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर 3 - 2i का कॉन्जुगेट हो जाएगा 3+2i, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। ऑलराइट, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा 3+2i, और डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है a² - b² बन रहा है, क्योंकि a+b (a-b) है। a² - b² इट मींस a² क्या होगा 9 माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 2 × 4 टाइम्स ऑफ i² हो जाएगा। बी स्क्वायर क्या 2i का स्क्वायर, दैट इज 4i² i² की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहां पर 9+4 हो जाएगा 9+4 13, इट मींस ये 3/13 प्लस 2/13 टाइम्स ऑफ i आया होगा। ये क्या है हमारा कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करते हुए मल्टीपल इनवर्स ऑफ जेड हमने सीखा हुआ है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल करते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद में हम चलते हैं डिवाइड रूल पर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, नेक्स्ट है मल्टीपल इनवर्स ऑफ 1+2i/1+2i/ ये है हमारा 3 - 4i, राइट। इसका हमें मल्टीपल इनवर्स फाइंड करना है, तो यहां पर हम मल्टीपल इनवर्स की बात कर रहे हैं, मल्टीपल इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। तो यहां पर यदि हमारे पास में जेड इज इक्वल टू 1+2i/3 - 4i है, इसके हम रेसिप्रोकल की बात करें यानी 1/z की बात करें, तो 1/z हो जाएगा 1 अपॉन 1+2i, और जो यहां पर डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, दैट इज 3 - 4i। ये हम क्या है 1/z की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब ये 1/z क्या है 3 - 4i / 1+2i है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, तो इसको हम सिंप्लीफाई करें यानी 1 - 2i का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, 1 - 2i का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, यानी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। अब न्यूमरेटर में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा -3 × 6i - 4i - +4 × 8i² / 1² - 2i² = 4i². a² - b² अब i² की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहां पर -1 होगा तो यहां पर प्लस हो जाएगा, ये क्या देगा 5। अब यहां पर i² की वैल्यू क्या होती है i² राइट, i² क्या होगा -1, तो 3 - 8 दैट विल गिव्स -5। यहां पर 6i - 4i यानी कि -6 - 4 - 10i होगा, राइट। यहां पर डिनोमिनेटर में देखें तो i² की वैल्यू -1, तो हमारा प्लस का 4 बनाएगा, यहां पर +1 है, +4 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। अब यदि हम बात करें तो यहां पर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा -1 - 2i आएगा। ये क्या हो जाएगा -1 - 2i, दैट इज द
मल्टीपल इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2y होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4i, 1 प्लस 2y और 3 माइनस 4i का ये क्या है, मल्टीपल इनवर्स है, राइट। एक क्वेश्चन और हम करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक क्वेश्चन है हमारे पास में गिवन है 1 प्लस आई डिवाइड बाई 1 माइनस आई टू द पावर एक्स है, 1 माइनस आई टू द पावर एक्स है एंड दिस इज गिवन एज 1, राइट, दिस इज इक्वल्स टू 1, तो हमें क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है कि यहां पर x क्या होगा, x क्या होगा यहां पर, हमें x की वैल्यू बतानी है। देखो यहां पर हमारे पास 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई है, कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 प्लस आई से हम 1 प्लस आई और यहां 1 माइनस आई, 1 प्लस आई, ये क्या कर रहे हैं इसमें हम देखें तो जो डिनोमिनेटर था इसके कॉन्जुगेट 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट 1 प्लस आई, 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई 1 प्लस आई का डिवाइड, तो न्यूमिनेटर में क्या बचेगा, इक्वल टू 1 है, न्यूमिनेटर में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, 1 माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू हमने माइनस 1 डायरेक्टली पुट कर दी है, तो क्या होगी 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये होल टू द पावर x है, यहां पर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं ये क्या आ रहा है 2i डिवाइड बाई 2 हो रहा है, ये पावर में क्या जा रहा है x, ये इक्वल्स टू 1 है, ये इक्वल्स टू 1 है, 2 से 2 कैंसिल, यहां से हम देख पा रहे हैं i टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1, i टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1 मींस x ऐसा क्या होता है जहां पर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 2 भी होता है नहीं होता, 2 की वैल्यू तो हमारी माइनस 1 होती, 4 होता है, 8 होता है, 12 होता है, तो हम यहां पर x को क्या बोल सकते हैं, x को बोल सकते हैं 4n where n is a positive number, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस टाइप से क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है डिवाइड करना, यदि हमारे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको डिवाइड करना है, तो यहां से हमने मल्टीपल इनवर्स सीखा हुआ है, बिल्कुल मल्टीपल इनवर्स की तरह ही होगा इसका डिवाइड करना। तो यहां पर यदि हमारे पास में z1 है, a1 plus ib1 है और z2 है a2 minus ib2 है, a2 plus ib2 है, तो z1 upon z2 हम फाइंड करेंगे, z1 upon z2 तो क्या हो जाएगा a1 plus ib1 whole divided by a2 plus ib2, a1 plus ib1 whole divided by a2 plus ib2, और जो यहां पर डिनोमिनेटर है a2 plus ib2, जो डिनोमिनेटर है उसके हम कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा a2 minus ib2, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, राइट। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आएगा a1 a2 ऊपर तो मल्टीप्लाई हो रहा, राइट, a1 a2 minus i times of a1 b2 प्लस आई टाइम्स ऑफ बी वन ए टू और ये माइनस आई स्क्वायर टाइम्स ऑफ बी वन बी टू होल डिवाइड बाय, यहां पर कंजुगेट का मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मींस ए टू स्क्वायर माइनस बी टू स्क्वायर, तो आई स्क्वायर बी टू स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर बी टू स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, तो डिनोमिनेटर में आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आया तो उसको हमने 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा, यहां पर a1 a2 है, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 है, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस 1, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 ये क्या हो गया, ये रियल पार्ट में आ जाएगा प्लस, यहां पर देखें तो i कॉमन है तो b1 a2 b1 a2 माइनस a1 b2 टाइम्स ऑफ i हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा डिवाइड करके a1 a2 plus b1 b2 whole divided by a square plus b square, b1 a2 minus a1 b2 whole divided by a square plus b square times of i, यानी कि हमारा ये इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे, और ये हमने मल्टीपल इनवर्स में सीखा हुआ था, बेसिकली हमें इसको पढ़ने के बाद मल्टीपल इनवर्स पढ़ते तो ज्यादा ठीक रहता है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर तो दोनों चीजें एक दूसरे से कोरिलेट हो रही है, इसलिए हम इसको इस तरह से पढ़ पा रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें
कि यदि हमारे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और उनके हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है, तो उसको हम सीखते हैं। इफ जेड वन इज इक्वल टू हमारे पास में 3 प्लस 4i और जेड टू इज इक्वल टू हमारे पास में ए आई माइनस बी, और हमें यहां पर जेड वन इक्वल टू जेड टू गिवन है, जेड वन इज इक्वल टू जेड टू गिवन है, देन हमें फाइंड करना है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ए और बी की वैल्यू यदि हमें यहां पर फाइंड करनी है तो देखो हम जेड वन से जेड टू रिलेट कर देंगे, इक्वेट करेंगे, 3 प्लस 4i विल बी इक्वल टू ए आई माइनस बी। अब यहां पर जो रियल पार्ट होगा उसको रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, दैट मींस माइनस बी इक्वल टू 3। इमेजिनरी पार्ट होगा वो इसको इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे, दैट मींस ए इज इक्वल टू 4। यहां पर बी की वैल्यू आती है माइनस 3, ए की वैल्यू आती है 4। इस टाइप से हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। यहां पर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इसमें यदि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, देखते हैं, यदि हमारे पास जेड वन इज इक्वल टू गिवन है, जेड वन इक्वल टू गिवन है 2x² - 1 प्लस 4i, जेड वन इक्वल टू है 2x² - 1 इक्वल टू 4i, एंड जेड टू इज इक्वल टू हम लिखते हैं, जेड टू इज इक्वल टू हम लिखते हैं 7 प्लस वाई, 7 प्लस वाई है। इस तरह से हमने कोई एक जनरल अपने हिसाब से एग्जांपल लिया है, हो सकता है ये सही गलत डिपेंड करता है। यहां पर जेड वन इक्वल टू 2x² - 1 प्लस 4i, जेड टू इक्वल टू 7 प्लस वाई टाइम्स ऑफ i लिया हुआ है। अब यहां पर हमें बोला गया है कि जेड वन इज इक्वल टू जेड टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर सिंपल है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे, y इक्वल्स टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, y की वैल्यू तो 4 आएगी। यहाँ पर दूसरा बनेगा 2x² - 1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2x² इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो x² इक्वल टू 4 आएगा, तो x की वैल्यू हमारी 2 आ सकती है, एक बार हमारी प्लस 2 एक बार हमारी माइनस 2। तो यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जहां पर कि ये क्या है इंट्रोड्यूस हो गया, यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंट्रोड्यूस कर दी गई है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में जेड इक्वल्स टू 2 + 3i है और जेड वन इक्वल्स टू है 2 + 3i एंड जेड टू इज गिवन है, जेड टू इज इक्वल्स टू गिवन है -1 + 2i। तो हमने अभी पढ़ा हुआ है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पर हम सब कुछ सीख लेते हैं कि यहाँ पर उससे रिलेटेड हम लिखे क्वेश्चन तो कर चुके, बट यहाँ पर एक और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर सब चीजें सीख लेते हैं। मीन्स जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन प्लस जेड टू इसका रियल पार्ट, इसके रियल पार्ट से ऐड, इसका यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट, इसके इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 है, दैट विल गेट 1। यहां पर 3i है, यहां पर 2i है, दैट विल गिव 5i। दूसरा हम देखते हैं z1 माइनस z2, यहां पर 2 माइनस टाइम्स ऑफ -1 दैट विल गिव 3i, 3 प्लस यहां पर 3i माइनस 2i दैट विल गिव i। z1 इनटू z2 इसको देखते हैं, 2 प्लस 3i मल्टीप्लाई करना है -1 प्लस 2i से, देखते हैं कि 2 का ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा। देखो 2 का इसमें -2 प्लस 2 = 4i माइनस यहां पर 3i हो जाएगा, ये देखो i है, -3i हो जाएगा और ये भी i है, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6 प्लस में 6i² की वैल्यू -1, यहां पर -6 हो जाएगा, ये -2 है, तो ये क्या होगा -8, 4i माइनस 3i तो प्लस में i। अब हमारे पास में z1 डिवाइड बाई जेड टू, जेड वन अपॉन जेड टू हमें फाइंड करना है, तो जेड वन हमारे पास 2 + 3i और जेड टू हमारे पास -1 + 2i,
डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से डिवाइड, माइनस वन माइनस टू आई, माइनस वन माइनस टू आई, राइट। यहां पर हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू, माइनस टू टू जो फोर आई, माइनस का थ्री आई, माइनस थ्री टू जो सिक्स आई स्क्वायर होल डिवाइड बाई, यहां पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर दैट इज माइनस वन का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर दैट इज टू आई का स्क्वायर, क्या आता है, माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सेवन आई हो गया, सिक्स आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो यहां पर ये प्लस का सिक्स होगा, ये माइनस का टू, तो सिक्स माइनस टू फोर हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर वन, और यहां पर टू टू जो फोर आई स्क्वायर, वन माइनस फोर आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, तो यहां पर क्या हो जाएगा वन प्लस फोर, तो आंसर आ रहा है फोर अपॉन फाइव माइनस सेवन अपॉन फाइव टाइम्स ऑफ आई, राइट। तो यहां पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड के बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए, समझा हुआ है यहां पर। अब हम आगे के टर्म्स में जाएंगे जहां पर कि हम, तो यहां पर हमारे पास में बेटा एक और क्वेश्चन है जहां पर कि हम एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवाइड और मल्टीप्लाई जो हमने अभी चार मेथड पढ़े हुए हैं इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन मीन्स यही क्वेश्चन है जेई 2016 में पूछा गया था। तो यहां पर हम देखेंगे कि बेसिकली अभी हमने पढ़ा क्या है, मल्टीप्लीकेशन पढ़ा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स पढ़ा हुआ है, और उसके बाद में डिवाइड करना सीखा हुआ है, उसके बेस पर ही ये हमारा क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर व्हिच 2 + 3 आई साइन थीटा होल डिवाइड बाई 1 माइनस 2 आई साइन थीटा इज प्योरली इमेजनरी। तो हम यदि यहां से डिस्कस करें प्योरली इमेजनरी की कंडीशन क्या हो रही थी, यहां पर जेड इज इक्वल टू क्या बन रहा था, ए प्लस आई बी बन रहा था, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, और यहां पर यदि हमें प्योरली इमेजनरी करना होता तो ए को जीरो कर देते थे, यही तो हमने डिस्कस किया था, इफ ए इज इक्वल टू जीरो देन जेड इज प्योरली इमेजनरी। तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स गिवन है हमारे पास जो क्या है 2 प्लस 3 आई साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 आई साइन थीटा, तो इसको हमें ए प्लस आई बी के टर्म से पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका ए पार्ट यानी रियल पार्ट को जीरो कर देंगे। तो यहां पर यदि इसको हम करें जो डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में उसके हम कंजुगेट को मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस 2 आई साइन थीटा, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो 1 प्लस 2 आई साइन थीटा, 2 आई साइन थीटा, इतनी बात समझ में आ रही है। ये तो हमने कुछ नहीं किया, यहां पर हमने इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में हमने इसको सिंप्लीफाई किया, यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का मल्टीपल 2 हो जाएगा, प्लस 2 टू 4 आई साइन थीटा हो जाएगा, प्लस 3 आई साइन थीटा हो जाएगा, प्लस 3 टू 6 आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 टू 4 आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो यहां पर क्या होगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में हो जाएगा, न्यूमरेटर में हम आई के टर्म्स एक तरफ लिखते हैं और यहां पर रियल टर्म्स एक तरफ लिखते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, यहां पर 2 मीन्स 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, ऑलराइट। यहां पर 4 आई साइन थीटा प्लस 3 आई साइन थीटा, तो टोटल हो जाएगा 7 आई साइन थीटा हो जाएगा। यहां पर हम देखें तो 1 माइनस 4 आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, यहां पर हम बोल सकते हैं 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर यदि हम देखें इसको लिख दें 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर भी लिख दें तो यहां पर लिखें 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको यहां पर जो आई था उसको हमने इस तरह से लिख दिया, राइट। अब यहां पर एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी हो गया, जहां पर कि ये जो टर्म है इतना टर्म क्या है, ये है क्या रियल पार्ट है, तो यदि हम इस रियल पार्ट को जीरो कर देते हैं, हमने यहां पर यही तो सीखा था, यदि रियल पार्ट जीरो हो जाता है तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है देन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी प्योरली इमेजिनरी नंबर, राइट। तो हम इस रियल पार्ट को जीरो करेंगे, इट मींस यहां पर 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो,
राइट, ये हमारा डिनोमिनेटर जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा क्या 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। और अब यहां से क्या आएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, 6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 आ गया। अब यहां पर यदि हम देखें तो साइन थीटा की वैल्यू यहां पर 2/6 दैट इज 1/√3 हो जाएगी, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। एक बार हो जाएगा हमारा साइन थीटा इक्वल टू प्लस रूट 1/√3, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√3। एक बार जब माइनस होगा तो थीटा इक्वल टू होगा साइन इनवर्स माइनस 1/√3। इतनी बात समझ में आ रही है, यहां पर 6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/6, और 2/6 को हम लिख सकते हैं 1/3, साइन स्क्वायर थीटा 1/3, साइन थीटा 1/√3। एक बार पॉजिटिव के साथ, एक बार नेगेटिव के साथ। जब साइन थीटा 1/√3 होगा पॉजिटिव के साथ तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√3, जब नेगेटिव के साथ में होगा तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/√3। देखो यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर है 1/√3, तो यहाँ पर यदि हम थीटा को बोले तो साइन इनवर्स उधर पे ले जाकर के थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3 लिख देते हैं। ये अभी आपके लिए हो सकता है नया टर्म हो 11th क्लास में, बट ये 12th क्लास में हम यहाँ से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से समझते हैं। बट यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू 1/√3, देन थीटा इक्वल टू 1/sin inverse of 1/√3। तो यहाँ पर हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन में थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√3, एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है जेई 2016 में पूछा गया था, जबकि इस वाले क्वेश्चन में बहुत कुछ है नहीं, ये हम मतलब एकदम से डर जाते हैं कि जेई के नाम से, लेकिन ऐसा कुछ रहता नहीं है। ये हमारा सिंपल मेथड से, जिस तरह से हम यहाँ पर जनरल क्वेश्चन से पहले भी किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद में इसका हम रियल पार्ट को जीरो करा दे रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इमेजिनरी पार्ट यानी प्योरली इमेजिनरी कब देगा, जब इसका रियल पार्ट जीरो हो जाएगा। तो रियल पार्ट को जीरो कराया, यहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइव किया, ठीक है।